चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादातर बच्चों के कमेंट्स ये आ रहे हैं कि सेमी गवर्नमेंट क्या है और ये कॉलेज कौन कौन से स्टेट में है, कितनी फीस पर मिल जाती है और कितनी कट ऑफ पर मिल जाती है, ये क्या दूसरे स्टेट में भी हम सेमी गवर्नमेंट में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि कितने मार्क्स से डाउन कैंडिडेट को ड्रॉप लेना चाहिए और अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट की फीस अफोर्ड कर सकता है तो कितने मार्क्स पर कितनी फीस होगी, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर इसको आप हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें वो सारी जानकारी जो आप जानना चाहते हैं, ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। जैसे ही डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे और आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, इंडिया में दो स्टेट ऐसे हैं जहां सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। सबसे पहले बात करें हम राजस्थान स्टेट की, तो यहां की जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है वो 7,87,000 ट्यूशन फीस है यहां की। दूसरा स्टेट है वो गुजरात स्टेट है, यहां के सेमी गवर्नमेंट जो जेएमईआर की कॉलेज है उनकी फीस है 3,30,000 रूपये। तो इनमें इनके स्टेट के रहने वाले ही कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, जैसे गुजरात स्टेट में गुजरात स्टेट के कैंडिडेट भी एडमिशन ले सकते हैं और राजस्थान स्टेट में राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं। कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी की राजस्थान में इन कॉलेजेस की जो कट ऑफ जा सकती है वो 565 जा सकती है और गुजरात में 500 के नियर बाई इनकी कट ऑफ जा सकती है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अदर स्टेट कैंडिडेट इनमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अब बात करें हम कि कौन से स्टूडेंट को ड्रॉप लेना चाहिए, तो ऐसे स्टूडेंट को ड्रॉप ले लेना चाहिए या फिर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जिनके 595 मार्क्स से डाउन है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, बाकी तो मैंने कट ऑफ बता दी है आपको। तो उन स्टूडेंट्स को अभी स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, साथ साथ जो बॉर्डर लाइन के कैंडिडेट हैं यानी कि 595 से जस्ट नीचे हैं उनको साथ साथ काउंसलिंग भी करवाते रहना है, क्योंकि पिछली बार जैसा सीन हुआ था 595 में जिन कैंडिडेट ने कोचिंग में एडमिशन ले लिया था उनका भी एमबीबीएस में नंबर आ गया था, तो हो सकता है ऐसा कोई सिचुएशन बन जाए तो आपको भी साथ साथ काउंसलिंग करवा लेनी है। जो प्राइवेट की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते जिनके 595 से मार्क्स कम है वो साथ साथ तैयारी शुरू कर दें। और अभी जिन कैंडिडेट के 500 से अबोव मार्क्स हैं, जिनके 500 से 595 के बीच में मार्क्स हैं जो प्राइवेट की फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए बजट रह सकता है 13 से 14 लाख, सब कुछ मैस हॉस्टल वगैरह का ट्यूशन फीस का बजट रह सकता है, तो वो अच्छी कॉलेज ले सकते हैं। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा जैसे स्टेट में, यूपी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं इस स्कोर पर। जिन कैंडिडेट्स के 500 से डाउन मार्क्स हैं उनको मार्क्स के अकॉर्डिंग बजट रहेगा उनका, जैसे कि 400 से नीचे मार्क्स हैं तो उनको डिम्ड में एडमिशन तो मिल जाएगा लेकिन उनकी फीस 20 लाख पर ईयर ट्यूशन फीस के नियर बाई रहेगी, या फिर जिनका 300 से ऊपर स्कोर है और उनका बजट 15 के नियर बाई है तो यूपी जैसे स्टेट में भी उनको कॉलेज मिल सकती है। तो ये उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग बजट रहेगा कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उनके लिए जो ऑप्शन है, जो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है वो है डिम्ड यूनिवर्सिटी और यूपी स्टेट में, जिनके मार्क्स 500 से डाउन है और उनमें मार्क्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाता है। तो ये जानकारी थी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में और ड्रॉप किन किन स्टूडेंट को लेना चाहिए और कितने मार्क्स पर कितना बजट रह सकता है, इसके बारे में मैंने ये जानकारी दी है। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि हर एक स्टेट की काउंसलिंग अपडेट आपको इस चैनल पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हम साथ साथ जिस स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे उसके बारे में भी बताएंगे और जो टिप्स हैं उसके बारे में भी बताएंगे कि आपको काउंसलिंग में क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।